सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। सीबीएसई की तरफ से एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास 10th में बेसिक मैथमेटिक्स ली थी। यस, बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड में डिफरेंस सिर्फ इतना था कि अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स लेकर चलते हो क्लास 10th में, तो 11th में आप नॉर्मली मैथमेटिक्स से अपना करियर नहीं बना सकते थे। लेकिन इस बार सीबीएसई का जो न्यू सर्कुलर आया है, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पर देखो तुम्हें एक न्यू सर्कुलर दिखाई देगा, परमिशन ऑफ ऑफर मैथमेटिक्स। इसको लेकर क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। उन बच्चों के लिए खासकर इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होने वाली है जो लिटरली 11th है, अब मैथ लेना चाहते हैं। क्योंकि देखो मूड है, अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मैथ में तो क्यों ना लेना। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखो, सर्कुलर आ चुका है 25th को ही, और यहाँ पर लिखा है परमिशन टू ऑफर मैथमेटिक्स इन क्लास 11 टू द स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स बेसिक। मैंने इस पूरे सर्कुलर को ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो सिंपल सी बात सुनो। यहाँ पर कोविड के पहले एक रूल बना था कि जो बच्चे क्लास 10th में बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं वो 11th में नॉर्मल मैथमेटिक्स से अपना मतलब पीसीएम में मैथमेटिक्स नहीं ले सकते थे। पीसी भी ले सकते थे लेकिन मैथ्स नहीं ले सकते थे। अगर मैथ्स लेने का मन भी था तो अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते थे, यानी बहुत ही सिंपल से, जिसमें सिर्फ उनको पास होना रहता था। लेकिन अभी सीबीएसई ने सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए सिंपली बोल दिया है कि आप जो बच्चे 10th में बेसिक मैथमेटिक्स ले रहे थे वो अब 11th में, अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं, स्कूल अलाउ कर रहा है, कंडीशन है स्कूल अलाउ कर रहा है, तो डेफिनेटली वो 11th में अपनी मैथमेटिक्स को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। एज पर द सर्कुलर इतना 2019 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th हु हैव स्टडीड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड कैन ऑफर मैथमेटिक्स इन क्लास 11th। इन केस द स्टूडेंट हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स बेसिक, वो 11th में सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स ही ले सकते थे। जो उन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ली थी 10th में वही सिर्फ क्या कर सकते थे मैथमेटिक्स को ले सकते थे। लेकिन इस रूल को देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 2023 एंड 24 ओनली। इस चीज को ध्यान से देखो, ये रूल सिर्फ इस साल के लिए है। अगले साल क्या होगा वो सीबीएसई फिर से बताएगी। ये रूल सिर्फ इस साल के लिए है कि 10 स्टूडेंट्स हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स बेसिक आर ऑल्सो अलाउड टू ऑफर मैथमेटिक्स इन क्लास 11th। यानी जो बच्चे 10th क्लास में मैथमेटिक्स बेसिक लिए थे वो अगर चाहें तो 11th में पूरी तरह से नॉर्मल मैथमेटिक्स यानी पीसीएम लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और ये बहुत अच्छी न्यूज है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक अच्छा है, बिफोर परफॉर्मिंग मैथमेटिक्स इन क्लास 11 टू सच स्टूडेंट्स the head of the institution should satisfy that the students are having the aptitude and ability to pursue mathematics in class 11th. yani agar aapke basic mathematics mein 75 ya 80% aaye hain to aap apne school jaiye, school ke matlab jo person hai unse contact kijiye, baat kijiye ki sir mujhe normal mathematics leni hai, to hi wo denge. lekin agar wo chahenge to unhe lagta hai ki that aapke paas ability hai ki aap normal mathematics ko bhi continue kar sakte ho, तो ही अगर वो आपको देंगे, अदरवाइज आपको मैथमेटिक्स नहीं मिलेगी, आप सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हो। इस चीज को लेकर पेरेंट्स के मेरे पास कॉल भी आई थी कुछ दिन पहले, बट अभी सीबीएसई ने ही क्लियर नहीं किया था, तो आई होप वो भी मेरी वीडियो देख रहे हो और उनको क्लियर हो गया हो कि अगर आपके बच्चे की बेसिक मैथमेटिक्स थी और 80% के आसपास है तो डेफिनेटली आप नॉर्मल मैथमेटिक्स लेकर 11th में अपनी स्टडी को, अपने बच्चे की स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। और देखो संयम भारद्वाज जी की सिग्नेचर भी है, यानी पूरी तरह से ऑफिशियल अपडेट है। इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि यहां पर जो 10th वाले बच्चे हैं जिनकी ऑलरेडी कंपार्टमेंट आई है उनके लिए एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए, क्लास 10th के बच्चे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है मैथ्स और साइंस में, इनके लिए हमारे पास स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है। Yes, मैं पहले बता दूं, हमारा एक बैच ऑलरेडी 10 स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बहुत सारी कॉल्स के अलावा बाद हमने ऑलरेडी एक न्यू बैच स्टार्ट किया है और न्यू बैच स्टार्ट हुए भी एक हफ्ते हो चुके हैं। एंड मेक श्योर इस बैच में जल्द से जल्द एडमिशन ले लो, और एडमिशन लेने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कॉल करना है, दैट इज 7065940004। मेक श्योर 7065940004 पे कॉल करो और एडमिशन लो, और जल्द से जल्द गारंटीड बताता हूँ कि अगर आप मेरी बताए गए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्लासेस लोगे और जितना कुछ मैं बताऊँ सिर्फ उसी की 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो 100% है आपकी कंपार्टमेंट क्लियर हो जाएगी, चाहे वो मैथ्स में हो या फिर साइंस में हो।
ओके, लाइव क्लासेस है, नोट्स अवेलेबल रहेगी, असाइनमेंट मिलेंगे, टेस्ट होंगे, प्रॉपर तरीके से हर चीज होगी और कंफर्म कंपार्टमेंट क्लियर करोगे वही बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। तो मेक श्योर 7065944004 पे कॉल करो एंड सिंपली ज्वाइन कर सकते हो। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, माय इंस्टाग्राम अकाउंट इज SURYA0315। ओके देन, मिलता हूं आप लोगों से नई वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड अथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, फर्स्ट टाइम आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करके, और अपनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी हो 11th से रिलेटेड, 10th से रिलेटेड, 9th से रिलेटेड या सिलेबस रिलेटेड, तो मेक श्योर कमेंट जरूर करना। गुड लक।